मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शुभ एहसास फैमिली में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। और अभी 6:15 हो रही है एंड मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज जो है हमें नहावण में जाना है। मेरी देवरानी है, उनके बेटा हुआ है जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग्स में बताया था, तो उनका आज नहावण है और इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी उठे क्योंकि जल्दी का है मुहूर्त, तो हमें थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। एंड आज चौथ भी है तो उसकी भी मतलब पूजा वगैरह करनी होती है, कहानी वगैरह सुननी होती है। और ये देखिए मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, रात को नेल पेंट भी लगा थी और अभी मैं ये जो एक मतलब बैग साइज में मैंने कपड़े रखे हुए हैं, नए कपड़े बच्चों के। जब अर्शी हुआ था तो बहुत सारे कपड़े आए थे लेकिन उनमें से मैंने कुछ नहीं पहनाए बच्चे को, और कुछ मतलब मेरे पास पड़े हैं अभी भी नए, तो मैं उसमें से ही कोई ड्रेस अच्छा सा देख लेती हूँ छोटे बेबी के लिए। एंड बिगनी के लिए बेस भी लेना है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी मुझे बेड से निकालना पड़ेगा। मैं रात को निकालना भूल गई वरना मैं ये सब काम एक दिन पहले ही करके रख लेती हूँ, तो वही मैं अभी कपड़े निकाल रही हूँ, छोटे बेबी के कपड़े निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं अभी लाओ। और हमारा अर्श जैसा कि आपको पता है मेरे उठते ही उठ जाता है, तो ये भी उठ गया है। मैंने अभी मैंने इसको दूध दिया, थोड़ा तो दूध पिया, छो जाओ आप ठीक है। सारे दिन ब्लैंकेट उगाड़ के सोता है हमेशा, बोल के सोते ना मामा। हाँ छोटा ब्लैंकेट, छोटा ब्लैंकेट कहाँ से लाऊं, लाती हूँ अभी थोड़ी देर, ये ओढ़ लो मैं छोटा ब्लैंकेट। पापा के रूम में छोटा ब्लैंकेट ओढ़ेगा, अभी ला रही हूँ ठीक है। छोटा ब्लैंकेट ये ओढ़ लो, तब तक छोटा ब्लैंकेट लाती हूँ मेरे बाबू के लिए। खा चल रही है, कहाँ पे चल रही है खाज, बम पे ले कानों की बम पे खुजली आ गई, कुछ 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 छो जाओ उड़ गई ठंडे वार। तो चलिएगा गाइस निकालते हैं कोई ड्रेस, पहले ड्रेस निकाल लूं आराम से फिर आपको दिखा पाऊंगी। ड्रेस नहीं निकालने दे रहे, बोले मम्मा पहले छोटा ब्लैंकेट ला के दो, तो एक ब्लैंकेट मुझे तो ये नहीं पड़ा, यहाँ तो नहीं है, सोफे पे होगा हमेशा। हम बाहर ही रखते हैं क्योंकि वो यही उड़ता है जब मतलब दिन में दूध वगैरह पीता है, तो लो छोटा ब्लैंकेट उड़ो। अब सोचा छोटा ब्लैंकेट उड़ के ठीक है, उड़ाती है छोटा ब्लैंकेट। अब निकालती हूँ ड्रेस, ये है मेरा ड्रेस जो कि मैं पहनने वाली हूँ, और ये इसके साथ मैंने बैंगल्स सेट की है। एंड इस ड्रेस के साथ मैं उड़ने वाली हूँ ये चुंदड़ी और ये वाले बैंगल्स है। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही शानदार एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है रमनी सर्कल। रमनी सर्कल एक स्किल दिखाने वाला ऐप है जिसमें आप गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। एंड ये एक सेफ एंड सिक्योर ऐप है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। अगर आपको रमनी खेलना आता है तो आप रमनी खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, अगर आपको रमनी खेलना नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस गेम खेलकर सीख सकते हो एंड कैश गेम खेलकर भी पैसे कमा सकते हो। एंड इसमें डिपॉजिट के लिए भी आपके पास बहुत ही आसान तरीके अवेलेबल हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोनपे, पेटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हो। एंड अपने पहले डिपॉजिट पर आप पा सकते हैं 2000 तक का वेलकम बोनस। एंड रमनी सर्कल में रमनी खेलना बहुत ही आसान है एंड ये फोन में बहुत स्मूथली चलता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने पहले रजिस्ट्रेशन पर पाइए 2000 तक का बोनस और कमाइए मेरी तरह बहुत सारे पैसे। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। Please play responsibly and at your own risk. नाकर आ गई मैं, लेकिन मैंने अभी कपड़े नहीं पहने क्योंकि कपड़े मैं सोच रही हूँ पहले मेकअप कर लूँ उसके बाद पहनूंगी वरना सर्दी लग जाएगी मुझे, बहुत भयंकर ठंड है। मैं तैयार हो जाती हूँ एंड सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कौन सी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करते हो, तो मैं आज आपको बताती हूँ। ये है मेरी नाइट क्रीम जो कि लोटस की है, मैं ये यूज करती हूँ। लोटस की क्रीम है, बहुत अच्छी है एंड 650 का प्राइस है। लोटस प्रोफेशनल वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग नाइट क्रीम है ये, तो ये वाला मैं यूज करती हूँ नाइट में एंड डे में भी मैं यही क्रीम यूज करती हूँ, लोटस प्रोफेशनल वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम। बट ये मॉइस्चराइजर क्रीम है तो ये वाला यूज करती हूँ मैं मॉइस्चराइजर के लिए स्पेशली, ये यूज करती हूँ जब मुझे कोई मेकअप नहीं करना होता तभी मैं ये यूज करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, थोड़े टाइम में मुझे इसको यूज करते हुए लेकिन अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा है और क्रीम भी बहुत अच्छी है। लोटस के प्रोडक्ट वैसे अच्छे आते हैं सारे और इसका प्राइस है 600 रुपीज।
फाउंडेशन के पहले आपको मॉइस्चराइजर जरूर करना चाहिए अपने फेस को। फटाफट से तैयार हो जाती हूँ मैं, क्योंकि 8:30 बजे हम लोगों को निकलना है एंड अभी 7:00 हो रही है। उससे पहले हमें कहानी भी सुननी है, क्योंकि आज व्रत भी है, क्योंकि कहानी सुने बिना तुम्हें पानी भी नहीं मिलती, इसलिए फिर कहानी सुन के जाना जरूरी है, वरना आकर भी सुन देते। ये हमारा लग गया मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन में यूज करती हूँ मामा अर्थ की, ये भी अच्छी है सनस्क्रीन भी। ये बीच में आ जाएगी चिड़िया, आ जा चिड़िया नीचे। बाकी तो भाई बस प्राइमर यूज करती हूँ, और प्राइमर मैं कौन सी का यूज करती हूँ कंपनी का याद नहीं है मुझे, बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे किसी भाई साहब ने पूछा था तो स्पेशली उनके लिए ये बना रही हूँ मैं। एंड वेयर इज माय प्राइमर, यस ये है मेरा प्राइमर, कलर बार का प्राइमर है ये, जो कि अब फिनिश होने वाला है। वाटर प्राइमर है ये, आप जो क्रीम बेस में आता है वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं ये वाटर वाला यूज करती हूँ। एंड इसके बाद मैं यूज करती हूँ फिटमे का फाउंडेशन, जो कि है 220 मेरा शेड है, और शेड नंबर आपको जो शॉपकीपर है वो आराम से बता देगा, तो आप लोग उसमें कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि पहले मैं भी सोच रही यार कौन सा शेड लूँ, पता नहीं कौन सा शेड है मेरा, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपका कौन सा शेड है, वो आप उस अकॉर्डिंग ले लेना। तो मेरा 220 शेड है। एंड बस उसके बाद तो मैं ये फिक्सर तो कोई सा भी यूज कर लेती हूँ, ये तो मैंने लोकली लिया हुआ है, तो ये वाला फिक्सर है, बस यही सब है जो मैं यूज करती हूँ। और ये जो लूज पाउडर है ये मैं यूज करती हूँ लैक्मे का, ये भी अच्छा है लैक्मे का, तो बस यही जो मेन प्रोडक्ट है वो यही है। और लिपस्टिक मैं यूज करती हूँ लैक्मे की या फिर मेबलिन की, ये ज्यादा मेरे पास होती है, बट लैक्मे की लिपस्टिक बेस्ट है जो कि मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मैं लैक्मे की ज्यादा यूज करती हूँ लिक्विड लिपस्टिक। तो मैं फटाफट तैयार हो जाऊंगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होकर वापस। आज नहलाएंगे नहीं इसको, क्योंकि यार सुबह सुबह ठंड लगती है, और कल नहाया हुआ है वैसे ही, कल का नहाया हुआ है, तो ये नहीं नहाएगा आज। हाँ मेरे को नहाना ही करना है। ओ आज तो तूने रिकॉर्ड तोड़ दिया अर्शु। कल नहा दे ला बेटा, ना आज तो ठंड है, कल नहा दे, ले कपड़े पहन। मम्मा हाँ हाँ मेरे को नहीं करना। अच्छा रो मत कराती हूँ, नहीं करनी तैयार हो गई हूँ मैं, और वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि लाइट्स ऑन नहीं थी, अब मैंने लाइट्स ऑन करी है तो अब वीडियो क्लियर आएगा। 8 बज चुके हैं और हमारे बनाने ने मुझे बोला कि 8:30 चलना है, एंड वो अभी तक सो रहा है। ये तैयार हो जाओ, नहीं ना हो तो जाओ, तो 8 बजे भी मेरा चेहरा कितना वाइट लग रहा है ना। इतना मेकअप तो नहीं किया मैंने, पता नहीं क्यों इतना वाइट लग रहा है, अब नहीं लग रहा, अब ठीक लग रहा है। और ये पूनम हमारी तैयारी कर रही है, हाँ ये कुछ जरूरत का सामान है जो पूनम यहाँ पे रख के चली गई है। एंड ये हमारा गुंडा मान नहीं रहा है, मंदिर में छेड़खानी कर रहा है। अर्जुन क्या कर रहे हो, इसको समझ नहीं आता यार, क्योंकि हम हाथ नहीं लगा सकते, बट क्या करें बच्चा मानता नहीं है, तो फिर आज ऐसे नहावन हो जाएगा, उसके बाद हम एक बार पूरा गंगा जी की साफ सफाई कर लेंगे। हाँ कुछ नहीं कर ला, देखो माचिस जलाने की कोशिश कर रही लड़का, ले बाबू ले ले, रो मत ले ले। हाँ चुप हो जाओ मेरे बेटा, चुप हो जाओ, चुप कराऊ, अजय इधर चुप, अजय क्या करेगा कानू जल का। अच्छा तू कर ले, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्यों कर रहा है, कर ले जो करना है, बट क्या चढ़ा क्या ना जल, जब अपन जल चढ़ा के आएगा, जा जा इसके साथ, जब बालकनी में ले जा उसमें। मैं नहीं हालूंगी, तू हाल गुंडा है, रोया इतना। तो ये सारा सामान है जो जरूरत का है, अभी तिल और गुड़ है, इसमें तिल से कहानी सुनी जाती है, मेहंदी है अभी होई हुई, और ये माता जी की फोटो है।
लगा दीजिए। सिंपल सो पहले मुझे ज्यादा भी तड़प तड़प ठहर गया, चेंज कर जाओ मैडम। ये एक लगा देते तो मांगली भाई ये मांगे। भट्टी मैडम भट्टी भट्टी मैडम चार हो गया पपिया, सही है परिया नहीं, तीन ही नहीं, तीन ही आ। चल फटाफट जोत की वा किताब को तो हाथ लगा, इसको किताब मंगाई है आसोज की है ना, आसोज है ना, आसोज है एक जिठानी ही दोराणी दोराणी अमीर ही जिठानी गरीब ही जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती। अपनी दोराणी के आटा पीसने जाती थी, आटे को कपड़े के कपड़े से छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन दोराणी के बच्चे ने उसे ऐसा करते देख लिया और माँ से जाकर बोला, माँ ताई जी जिस कपड़े में आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर दोराणी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जेठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा, जेठानी ने ऐसा ही करा। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा। दोराणी बोली कि आज जेठानी बोली कि आज तो दोराणी ने कपड़ा भी रख लिया, जब उसका पति नाराज हो
अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे अर्घ देने के लिए, लेकिन अर्घ पूनम और सुशीला ही देंगे क्योंकि मैं नहीं दे सकती, अभी नामर नहीं हुआ है। शाम को चांद को अर्घ दे सकती हूँ मैं क्योंकि शाम तक नामर हो जाएगा, तो हम लोग मंदिर थोड़ा साफ सफाई करके उसके बाद शाम को अर्घ दे सकते हैं। ओहो, आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, ठंड है, ठंड है, मैं बोली तो ठंड नहीं है बट ठंड है। तो अब ये लोग अर्घ देते हैं और मैं बनाती हूँ इनका वीडियो, मैं वीडियोग्राफी करूंगी अभी। ये लोग अभी सूरज भगवान को अर्घ दे रही हैं, लेकिन सूरज भगवान तो आज बादलों में छुपे हुए हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे। छत पे गंदगी बहुत है, काल साफ ही रह रहा है बट चांद तो आज मुश्किल दिख रहा है, दोनों दिख सी और ये तो दिख ही वह लेट से घर आए हैं और टाइम है 7 बज रही है और अब हम लोग घर आए हैं और बहुत थकान हो गई क्योंकि यार बैठे 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 परेशान हो गए। सुबह गए थे हम लोग 9:30 बजे निकले थे यहाँ से और पूरा दिन बैठे थे, फिर परेशान हो गए थोड़ा, तो अब चेंज करूंगी। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।